हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रमोद गुप्ता। आप देख रहे हैं जौनपुर न्यूज़ ब्लॉग। आज मैं टीवी 100 के बिजनेस लॉस में, यानी कि बिजनेस वाले न्यूज़ चैनल में हूँ टीवी 100 के। और यहाँ पर किस तरह से काम होता है, यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, आदित्य जी हैं और सिमरन हैं और अभिषेक भाई हैं और कुछ लोग लेते चल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं अभिषेक है। हेलो अभिषेक, हाय। हेलो सर, आपका जौनपुर न्यूज़ ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह से कार्य होता है, क्या होता है, कुछ एक्सप्लेन करेंगे? तो जैसे जो हम पर्दे पे देखते हैं उसके पीछे उससे भी ज़्यादा जो भी आप फाइनल टच देखते हैं, तो जो भी मेहनत होता है वो पीछे के पर्दे के पीछे के लोग ही करते हैं। आदित्य है SEO, यानी जो वीडियो ट्रेंड करता है। अच्छा, अब किसी वीडियो पे 1 मिलियन 2 मिलियन व्यू आ जाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, तो अगर टीवी 100 में बढ़ रहा है, खास करके बिजनेस चैनल में, तो ये है आदित्य जी, इनके वजह से बढ़ता है। तो ये थे अभिषेक जी। अभिषेक जी, आपका क्या काम है यहाँ पे, आप क्या करते हो? हम ऑल राउंडर हैं। वैसे जो भी शो होता है, तो एक प्रोड्यूसर है, सर है हमारे। अच्छा, क्या नाम है सर का? डिम्पी कारला सर का नाम है। पहले वो जी न्यूज में भी काम कर चुके हैं। अच्छा, जी बिजनेस जो है उसमें काम कर चुके हैं। आगे सिमरन बैठी हुई है। कहाँ है सिमरन? हेलो सिमरन, हाय। जौनपुर न्यूज ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कर रही मैम? काम कौन सा काम होता है जी? अच्छा अच्छा हमारे दर्शकों को ये बताइए, आपका क्या काम है यहाँ पे, आप क्या करती हैं? मैं गैस कोऑर्डिनेटर हूँ, आउटपुट डिपार्टमेंट का काम संभालती हूँ और CG और टिकट मेरा काम देखती। अच्छा, तो ये थी सिमरन जी, इन्होंने अपना काम बताया। हालांकि इनका सैटरडे है तो इनका सिस्टम खुला नहीं है। खुला हुआ है पर अभी काम चल नहीं रहा है। तो इधर हम आते हैं तो ये आदित्य त्रिपाठी जी हैं, जो बड़े भयंकर आदमी हैं। ये दिखने में तो बड़े सीधे लगते हैं। ये जिस चैनल में सैलरी नहीं मिलती उसका सिस्टम उखाड़ लाते हैं। अरे नहीं, बदनाम नहीं, वाकई होना चाहिए भाई, अपना हक नहीं दे तो कोई छीन लेना चाहिए, मेरा भी यही मानना है। जैसे हम क्या हैं, पत्रकार हैं, हम लोग दूसरों की आवाज बनते हैं। और क्या, जिसको सिस्टम जो है शोषण कर रहा है। अब हमारी कोई शोषण कर रहे हैं, इतनी तो किसी की औकात नहीं है। पैसे अगर काम किए हैं, मेहनत किए हैं तो पैसे लेंगे ही। अब भैया तुम सीधे से नहीं दोगे तो सिस्टम उखाड़ के लाएंगे। ये सही, क्या कहानी थी? अब विदाउट नाम लिए शेयर करना चाहोगे? कहानी बहुत खराब थी, एक शॉप चैनल की कहानी थी एक तरीके से कहा जाए तो, लेकिन ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस था। बाकी हमारे प्रेरणा स्रोत भैया हमारे अभिषेक जी, बिहार के लाला, इनसे हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं जी। या वो बिहार के लाला तो नहीं सर है, चैनल में काम चल रहा है बढ़िया। लॉकडाउन में तनिक कम खाला। लॉकडाउन तो इस बार बढ़िया बीता। और है ऐसा, वही बात बोलते हैं ना, हम उससे जूझते हैं जो देश को और जो सिस्टम को जुझा रहा है। हम लोग मतलब अभी तक लगता है कि अब इतने नेताओं से मिल चुके हैं, करतूतें देख चुके हैं, शोषण देख चुके हैं, तो ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस था, चाहे तुम हुए भाई चाहे कोई हुआ। हाँ, मीडिया में देखो ये बात तो है, मीडिया में अगर तुम हो तो बहुत से लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेंगे और तरह तरह के मिलेंगे, और उसके लिए हमको तैयार रहना। चलो अभिषेक, हम आदित्य, हम टॉपिक पे आते हैं, क्या काम करते हो यहाँ पे, क्या हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? मैं फिलहाल अभी टीवी 100 बिजनेस में सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। मैं यहाँ का ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पूरा देखता हूँ, प्लस और भी हमारे मल्टीटास्किंग काम होते हैं, हम एक डिपार्टमेंट में काम नहीं करते हैं, सोशल मीडिया के साथ प्रोडक्शन का भी काम देखते हैं, तो है जो है, जो काम मिलता है वो सारे कर लेते हैं अभी। तो जैसे मेरे स्क्रीन को दिखाइएगा, ये भाई लोग थे। हाँ, अभिषेक था, आदित्य, क्या कह रहे हो उसे? मैं ये बोल रहा था कि जैसे ग्रुप है ना, ऑलराउंडर, कि अगर
बॉलर नहीं आया तो मैं बॉलिंग भी कर लूंगा, बैट्समैन तुम ही कीपरिंग कराओगे, दोनों टाइप समझ रहे हो? हाँ हाँ। तो अभी मैं ग्राफिक्स डिजाइन कर रहा हूँ। अच्छा, जो कभी आप करते थे जब आप चले जाते हो सिस्टम पे बैठ के मैं वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ। जब बगल वाले स्टूडियो में जब सर चैनल पे लाइव जाते हैं तब मैं वहाँ पे बैठ के प्रोडक्शन का काम देखता हूँ, जो कि आदित्य भाई भी अच्छा खासा मतलब वहाँ पे बधाई हो। और एक तो जो काम बच रहा है जैसे एंकर का बच रहा है तो वो करवाएंगे बोल रहे हैं, लेकिन भैया करेंगे तभी जब पैसा बढ़ेगा। अच्छा, ऐसे एंकर नहीं करेंगे। तो गाइज अभी और भी कुछ चीज़ें हैं हम जो आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।